नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में पिछले 24 घंटे से अनवरत बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से नगर क्षेत्र में जलभराव होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर की सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं। नगरवासी प्रशासन से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। आजमगढ़ जिले के पिछले 2 सप्ताह पूर्व ही बारिश के चलते निचले इलाके पानी में डूब गए। प्रशासन के लाख कवायद के बाद भी आज कोलघाट, कोलबाग बहादुर, चांदमारी, करतालपुर के प्रहलाद नगर, बागेश्वर नगर और रैदोपुर में आज भी पानी लगा हुआ था, लेकिन पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश होने से इन क्षेत्रों में जहां बरसात का पानी और भी अधिक हो गया। लगातार बारिश के कारण नगर के कई नए इलाके में पानी घुस गया, जिससे हालत बस से बदतर हो गई है। नगर के सबसे पॉश इलाके ठंडी सड़क की सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं। कई वाहन इस पानी में डूब गए। वहीं नगर के कई कॉलोनी और मोहल्ले में पानी से डूबे हुए हैं, जिससे लोग परेशान हैं। वहीं जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि लगातार बारिश होने से नगर के निचले इलाके में जलभराव की स्थिति है। यह समय इतनी अधिक बारिश होने का नहीं है, लेकिन पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 220 मिलीमीटर बरसात हुआ। उन्होंने कहा कि जल जमाव वाले इस क्षेत्रों में पंपिंग सेट लगातार चलाए जा रहे हैं, लेकिन बारिश समाप्त होते ही एक बड़ा पंपिंग सेट आया है, जिसे बागेश्वर नगर में लगाया जाएगा, जिसे नगर क्षेत्र में जल जमाव को दूर किया जा सके। देखिए, ये बड़ा अगर देखा जाए तो बड़ा ही अनटाइमली बारिश है, क्योंकि इस टाइम कभी इतनी बारिश नहीं हुई और पिछले 24 घंटे में करीब 220 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है, जो कि इस महीने में मुश्किल ही देखने को मिलती है। पुराने जो बारिश हुई थी उसको निकालने के लिए जो प्रयास किए गए थे, काफ़ी पानी निकल भी गया था, अब पुनः पानी के वापस भर गया है। तो हमने उसमें 2-3 व्यवस्था की है। एक तो एक पंप और मंगाया गया है, उसको बस बारिश जैसे ही रुकेगी उसको लगाया जाएगा, क्योंकि बड़ा पंप है जो बागेश्वर में लगना है। बट मेरा अनुरोध है कि जिनका घर, हम क्या कर रहे हैं, हर मोहल्ले में जहाँ में पानी भरता है, जिसमें ट्रेडिशनली इस बारिश में देखा गया, उसमें एक टीम बना दे रहे हैं। टीम दो तरह से बनाई गई है, एक तो सभासद और कुछ हमारे जो युवा हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उनको उनकी टीमें बनाई गई हैं, जो घर घर जाके क्लोरीन के टैबलेट और बाकी जो उनको जानकारियां देनी है वो देंगे। साथ में आपदा के लिए भी अधिकारियों की एक टीम मोहल्लेवार बनाई जा रही है, और साथ में 6 हमने बड़ी जगह ऐसी आइडेंटिफाई की हैं जहाँ पे जिनके घर में पानी भरा है और वो वहाँ पे रह नहीं सकते हैं, या किसी का घर कच्चा है और जिसमें असुरक्षित है, वो वहाँ पे जाके आश्रय ले सकते हैं। वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसकी सूचना अभी दे दी जाएगी और सब टीमें जो घर घर जाके वो बताएंगी। मैंने सीयूजी 71 बात कर सकता हूँ, जो किसी को भी अगर आपदा के बारे में या अपने घर के बारे में कोई बात करनी है तो सीयूजी नंबर हमारा है 94-54-41-71-72, इस पे संपर्क कर सकते हैं। सभी सभासदों और लोगों के साथ अधिकारियों की टीम भी घर घर जाएंगी और ये भी जांच करेगी किसका घर सुरक्षित है, किसका असुरक्षित है, और उनको समय से शिफ्ट करने की बात भी कही जाएगी। साथ में जो विकट समस्या इस वक्त ये है कि जो तमसा नदी है वो अपने लेवल से बहुत ऊपर बह रही है, तो उसकी वजह से जो गेट्स हैं वो बंद करने की वजह से शहर का पानी वहाँ पर क्लॉग हो गया है। तो इसमें सभी के प्रयास जारी हैं और बाकी लोगों से भी यह अपेक्षा है कि उसमें सहयोग करें। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।